भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। हम तो एक बार ध्यान में बैठे थे, हमारे गुरुदेव ने कहा क्या कर रहा है, हमने कहा ध्यान किसका, मैंने कहा आपका, तो बोले मैं तो सामने खड़ा हूँ, आंखें क्यों बंद कर रखे हैं। तो वो देखने लगे, तो मैं क्या हूँ, क्या हाड़ मास, ये तो अग्नि वायु जल से बना शरीर है। तो धीरे धीरे उन्होंने दृष्टि दी, कह रहे ये इतना बड़ा है, ये पवन है, यही प्रकाश है, यही आकाश है, यही माटी है। धीरे धीरे हमको विराटता लगा, कह रहे ये तो पूरा ब्रह्मांड है और इसी का मैं अंश हूं, तो उनमें मुझ में कोई भेद नहीं रहा। ये बड़ा मजेदार वाकया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जीवंत जागृत सहज और समाधि उसी समय कि मैं ब्रह्मांड से अनुभूत कर रहा हूं अपने को, मैं ब्रह्मांड ही हो गया पूरा। गुरुर ब्रह्मा, अच्छी सृष्टि पैदा करो, अच्छी क्रिएशन, वो क्या है, विचारों की एक वैचारिक फसल अच्छे बनाइए। गुरुर ब्रह्मा, उनसे बल लो कि हमें प्रकाश दो, सत्य का बल दो, हम अच्छी सृष्टि बनाएं, आज हम अच्छे विचार पैदा करें। गुरुर ब्रह्मा, हम अच्छे क्रिएटर बने। गुरुर विष्णु, बड़े बल हम में आए, अक्रोध आए, धृति आए, धैर्य आए, पोषक तत्व आए, बांटना आए, हमें बटना आए, खूब बांटना आए, बटना आए, विष्णु है। गुरुदेवो महेश्वर, हमको संहार करना है, महेश्वर संहार करके समाधि भी लगानी आए, संहार करके शांत भी बैठना है। संहार करके आदमी शांत कैसे बैठ सकता है, संहार करके आदमी समाधि लगाए कभी नहीं। दो चार लोगों से गुस्सा करके जरा समाधि लगाना, कभी नहीं लगेगी, अस्त व्यस्त हो जाओगे, क्रोध करने के बाद शांत नहीं रहता आदमी, और वो संहार के बाद शांत होता है। इसका अर्थ है जो बेकार कीजिए उसका संहार। वो ज्ञान अपने पास रखना, और चुपके से एक इनपुट दे रहा हूं, एक महंगी चीज दे रहा हूं, याद रखना, बढ़िया फूल के आसपास कांटे होते हैं, वो इसलिए है कि एकदम हाथ न डालें आप, सावधानी से हाथ पहुंचे आपका, उनके हाथ में कांटे लगे हैं जिन्हें फूल के आसपास के कांटों का ज्ञान नहीं है। गुरुरेव परब्रह्म, यानी वो शिव है, संहार कारक है, वो तत्व तो हमारे भीतर ही है। संहार करना आए हमको, बेकार की चीजें निकालनी आए, जलानी आए, जो हेय है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राही है, अमान्य है, जो परेशान करता है उसे निकालना हमको आए, वो गार्बेज निकले, वो कूड़ा निकले, पूरा पूरा निकले, वो जलाना आ जाए, उसे संहार करना आना चाहिए। और ये रोज करना, बेकार की चीजें आपकी रोज उनका निस्तारण करो, रोज निवारण करो, रोज स्टोर मत करके रखना, इकट्ठा करके रखोगे कूड़ा, वो ठीक नहीं है। गुरु रेव पर ब्रह्म, यहां तक चैन नहीं पड़ा गुरु गीता में, ये गुरु गीता का श्लोक है। गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्म, गुरुर विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात, एक नया शब्द है ये, साक्षात करते, ये साक्षात जो विद्यमान है, इसको जरा समझो, ये क्या है गुरु साक्षात, साक्षात क्या है, जो दिख रहा है उसी को तो साक्षात कहेंगे। तो क्या दिख रहा है, साक्षात क्या हो रहा है, साक्षात्कार में क्या हो रहा है, विजुलाइज क्या हो रहा है आपको, क्या दृश्यमान है, क्या दिख रहा है आपको, ये तो सब दिख रहा है जो कुछ है। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये सब तस्मै श्री गुरवे नमः। ये दृष्टि भारत महाराज, भारत में ही हो सकती है और कहीं नहीं।